प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे होलिका दहन पर। होलिका दहन कब है, होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं, पहले उस पर हम विषय पर बात कर लेते हैं। तो होलिका दहन का त्योहार जो है बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, यानी पाप पर पुण्य का जो है प्रतिशोध रहा, उसमें पुण्य जो है का जीत हुई, इसलिए हम होलिका दहन मनाते हैं। यह त्योहार जो है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त में करना जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद थे, और प्रहलाद कौन थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, और प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के पूजन पाठ यानी भक्ति में इतना लीन थे कि वो हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लग रहा था। इनकी जो है जो भक्ति है इनको खत्म करने की थी हिरण्यकश्यप प्रहलाद की। तो हिरण्यकश्यप की बहन जो है होलिका थी, तो होलिका को उन्होंने क्या किया कि होलिका की गोद में प्रहलाद को गोद में बैठा करके और हिरण्यकश्यप जो है उनको जिंदा जलाने के प्रयास किया। जब उनको गोद में बैठाने के बाद जब आग लगाया गया, आग लगाने के बाद जो है होलिका जल के भस्म हो गई, और वहां से प्रहलाद जो है फिर से खड़े हो गए उनके दरवाजे के पास। तब से जो है इस खुशी में जो है होलिका दहन का त्योहार मनाया जाने लगा और मनाते भी हैं। अब हम चर्चा करेंगे विशेष मुहूर्त का। तो इस बार जो है 17 मार्च को रात में, यानी 17 मार्च की रात यानी 18 मार्च हो जा रहा है, 12:57 से लेकर के 2:12 तक सुबह में जो है होलिका दहन जलाया जाएगा। होलिका दहन का कहीं कहीं बहुत लोग असमंजस में है, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बड़ा असमंजस चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ भागों में और बिहार और झारखंड में तो काफी असमंजस है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है पूर्णिमा तिथि जो है 17 मार्च 2022 को दोपहर में 1:29 से लग रहा है, और पूर्णिमा की समाप्ति जो है 18 मार्च को जो है 12:52 तक रहेगा दिन में। लेकिन 17 मार्च को 1:20 में ही भद्रा का स्टार्ट हो गया है। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भद्रा में जो है शुभ काम करना जो है उचित नहीं होता है, शुभ नहीं होता है, इसलिए जो है इसको रोक लगाया जा रहा है। इसलिए होलिका दहन जो है 17 मार्च को रात में 12:57 से 2:12 के बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि होलिका दहन जो है रात में ही किया जाता है, तो हमको रात का भी टाइम मिल जाता है, तो इसलिए होलिका दहन जो है इस दिन करें, बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त होंगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।